तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को रिलीज हुए पूरे 13 दिन हो चुके हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म के टोटल 12 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे 26 करोड़ 29 लाख, फर्स्ट वीकेंड में कमाए थे 77 करोड़ 8 लाख, फर्स्ट वीक में कमाए 120 करोड़ 67 लाख, सेकंड वीकेंड में कमाए 30 करोड़ 57 लाख, 11th डे कमा 4 करोड़ 50 लाख। और इस फिल्म ने अपने 12th डे उम्मीद से काफ़ी कम कलेक्शन किया। जी हाँ दोस्तों, हमें इस फिल्म से उम्मीद थी कि ये फिल्म अपने 12th डे लगभग 4 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन कर सकती है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने 12th डे कमा 3 करोड़ 92 लाख। तो इसी के साथ इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन भी काफ़ी कम हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन शुरुआती 12 दिनों का 159 करोड़ 65 लाख हो चुका। वहीं पर दोस्तों, इस फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन भी कम ही हुआ है। इस फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हुआ है 190 करोड़ 40 लाख। वहीं पर दोस्तों, इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से भी 51 करोड़ 60 लाख की कमाई करी है। तो इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 12 दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 242 करोड़। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें दोस्तों, आज इस फिल्म का 13th डे है और ये फिल्म अपने 13th डे 3 करोड़ 80 लाख की कमाई कर रही है। तो इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 13 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 163 करोड़ के आसपास हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों, इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 245 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग कमेंट कर जरूर बताना कि सूर्यवंशी फिल्म 300 करोड़ के क्लब में कब एंटर होगी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर।